धोलाबाटा स्थित प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर में ध्वजारोहण में जागरण के साथ ही मेले का आगाज हुआ और इस मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ ही लोगों ने मेले का आनंद उठाया। प्राचीन बाबा रामदेव के मंदिर में करीब 40 से 50 सालों से मेले का आयोजन किया जाता रहा है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बाबा रामदेव के आशीर्वाद लेने के साथ ही मेले का आनंद लेने पहुंचते हैं। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा पारितोषिक वितरित किया गया। वहीं लोगों ने मेले में लगी स्टॉल्स का भी लुफ्त उठाया। ये धोलाबाटा रेलवे लाइन पर स्थित बाबा रामदेव जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ 30 से 40 सालों से मेला भर रहा है और कल यहाँ पर रामदेवरा से ध्वजा यात्रा लाई गई थी और कलश यात्रा के गाजे बाजे के साथ में बाबा के मंदिर पर झंडा चढ़ाया गया। तत्पश्चात रात्रि जागरण हुआ, जागरण में भी बहुत धूम धड़ाके के साथ जागरण भरा गया और आज सुबह से ही मेले में काफ़ी रौनक है। दिन में बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं रखी गई, तत्पश्चात अभी शाम को मेले का आयोजन रखा गया है जिसमें कुछ अतिथि हमारे आए थे, पधारे थे, उन्होंने बच्चों को पारितोषिक वितरण दिया, इनाम दिया और अभी मेला भर रहा है। और मुख्य अतिथि आ रहे जो पहला जी चौधरी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और हमारे क्षेत्र के पार्षद साहब कैलाश जी कोमल पधारे थे और यहाँ पर गाजे बाजों के साथ में आसपास के क्षेत्रवासी ध्वजा लेके आते हैं बाबा के मंदिर पर और अपनी पूजा पाठ करके बाबा से मन्नतें मांगते हैं और बाबा सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। ये 150 साल पुराना मंदिर है और 35 सालों से यहाँ पर वार्षिक मेला भरता है और ये अजमेर का बहुत बड़ा मेला भरता है। भादवा की दूज को धोलाबाटा रेलवे लाइन पार स्थित है ये मंदिर।